इन दिनों रूस और चीन की दोस्ती अपने चरम पर है, लेकिन एक वक्त था जब दोनों देश एक दूसरे को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते थे। उन दिनों हालात इस कदर तनावपूर्ण थे कि रूस ने चीन पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली थी। चीन और रूस की यह दोस्ती पिछले 25-26 सालों में गहरी हुई है, लेकिन इनके बीच साल 1960 से 1970 के बीच कई लड़ाइयां भी हुई। 1965 से इनकी सीमा पर दोनों के बीच सैन्य झड़पें होने लगी थी, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए। इस दौरान सीमा पर दोनों ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बड़ी संख्या में कर ली थी। 1969 आते आते दोनों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया था कि मार्च से सितंबर तक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अघोषित जंग तक लड़ ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 16 अक्टूबर 1964 को चीन द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद विश्व के हालात बदल गए। यह वह वक्त था जब चीन और रूस सीमा पर आमने सामने थे। 2 मार्च 1969 को चीनी सैनिकों को आदेश मिला कि वो जेनबवाओ द्वीप पर तैनात रूसी सैनिकों पर हमला करें, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने करीब 300 रूसी सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला। चीन को लगता था कि रूस की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी या फिर वो कोई छोटी कार्रवाई करे, लेकिन इस हमले से रूस इस कदर नाराज हुआ कि उसने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया। उस समय रूस की एटमी मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर 15 मिनट से कम समय में हमला करने को तैयार थीं। हालांकि बाद में रूस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी ने चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिसमें कई चीनी सैनिक मारे गए। इस हमले से चीन इतना घबरा गया कि वह रूस से बातचीत करने की गुजारिश करने लगा। शीत युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब पूरे विश्व पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा था। चीन और रूस के बीच तनाव से पूरी दुनिया में खौफ था, लेकिन आज आप दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गलभैया डाले देख सकते हैं। आए दिन दोनों देशों के बीच साझा सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इस रणनीतिक जुगलबंदी को अमेरिका के खिलाफ साझी तैयारी के तौर पर देखा जाता है। साल 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यह सबसे बड़ा सवाल था कि रूस और चीन के संबंध अब कैसे होंगे, लेकिन अमेरिका नाम के खतरे ने इन दोनों देशों को करीब लाने का काम किया। दोनों देशों के करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सीमा विवाद साल 2000 में हमेशा के लिए सुलझा लिया गया। अमेरिका ने जब चीन के खिलाफ अभियान शुरू किया और रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो यह दोस्ती और परवान चढ़ने लगी। आज दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगियों को रोकने के लिए साथ मिलकर कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद में चीन ने पिछले दशक में 6 वीटो पावर का इस्तेमाल किया जो रूस से संबंधित रहे हैं। इसी दौरान रूस ने 11 वीटो इस्तेमाल किए। सबसे ताजा वीटो का इस्तेमाल साल 2012 में इन दोनों ने सीरिया पर यूएन के 4 प्रस्ताव के खिलाफ किया था। इनके वीटो की वजह से ही चीन मध्य पूर्व में सैनिक दखल नहीं दे पाता। अमेरिका जिस देश के प्रति कठोर रुख अपनाता, चीन और रूस साथ मिलकर उस देश को सहारा देने में जुट जाते। आज स्थिति यह है कि चीन रूस का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। रूस के करीब सभी बड़े शहरों, शिक्षण संस्थाओं में चीन की उपस्थिति देखी जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस और चीन के बीच व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के लिए काफी अहम है। यह साझेदारी दुनिया में किसी एक देश के वर्चस्व का सामना करने में कारगर साबित होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश कितना मजबूत है। चीन और रूस की दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि दोनों देशों ने साल 1996 में संघाई 5 नाम का एक संगठन भी बना रखा है, जिसके जरिए वो न केवल अपने मसले सुलझाते हैं बल्कि भविष्य की रणनीति भी बनाते हैं। रूस और चीन का गठजोड़ भले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ हो, लेकिन इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ता है। याद कीजिए साल 1962 का चीनी हमला, जब रूस ने इस दौरान तटस्थ रुख अपना लिया था, जबकि भारत को उम्मीद थी कि रूस अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि जानकार कहते हैं कि मौजूदा हालात में रूस और चीन की दोस्ती दोनों की मजबूरी है, इसमें रूस को चीन की ज्यादा जरूरत है। जानकार यह भी मानते हैं कि रूस और चीन की दोस्ती का एक कारण इनकी सरकारों की अधिनायकवादी शैली भी है। यही वजह है कि पश्चिमी देश इन्हें लेकर आशंकित रहते हैं। इन देशों को इस बात का डर है कि कहीं दुनिया इनके तरीके से न चलने लगे। हालांकि CIA की इस रिपोर्ट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह अमेरिकी सिगुफा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस और चीन के बीच दरार पैदा करना चाहता है। चीन ने पहले भी ऐसे आरोप अमेरिका पर लगाए हैं। हालांकि पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आईं कि रूस और चीन के बीच खटपट शुरू हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वह है चीन की दादागिरी और उसका महत्वाकांक्षी रवैया। इसके अलावा रूस के व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा और चीन को S-400 मिसाइल दिए जाने में देरी, यही वजह है कि रूस का झुकाव भारत और अमेरिका की ओर होने लगा है। व्लादिवोस्तोक शहर का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है।
चीन का कहना है कि रूस का यह शहर साल 1860 से पहले चीन का हिस्सा था, जिसे रूस ने एक तरफा समझौते के तहत चीन से छीन लिया। चीन की ताजा दावेदारी दोनों के संबंध को खराब कर रही है।